नमस्कार, खम्भागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शादी में खाना खाने के बाद 20 की बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग के चलते अस्पताल में हुए भर्ती। राजस्थान के बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के बाद बवाल, धरने पर बैठे रविन्द्र सिंह भाटी, भारी पुलिस फोर्स तैनात। राजस्थान के आदिवासी इलाके में तड़के हुए तेज धमाका, पुलिस पहुंची तो कबाड़ में दबी मिली 3 युवकों की लाशें। लग्जरी वाहनों से भागते अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास है खटारा गाड़ियां। अब समाचार विस्तार से। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में करीब 20 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए। बीमार लोगों को आरबीएम अस्पताल में लाया गया, कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी लोगों ने शादी समारोह में खाना खाया था, तब से उनकी तबीयत बिगड़ी है। मरीजों ने बताया कि सांतरुख गांव में 25 अप्रैल को शादी थी, 24 अप्रैल को शादी वाले घर पर कढ़ी चावल और पूरी बनी थी। परिजनों और आसपास के लोगों ने खाना खाया और अपने घर चले गए। राजस्थान के सबसे हॉट सीट बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान बायतो इलाके में हुए मारपीट की घटना तूल पकड़ गई है। चुनाव संपन्न होने के बाद यह मामला और उलझता जा रहा है। इस मामले को लेकर आज निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी हजारों समर्थकों के साथ बालोतारा पहुंचे। उन्होंने वहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। भाटी के साथ आई कार्यकर्ताओं की फौज को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। फिलहाल भाटी की बालोतरा पुलिस अधीक्षक से वार्ता चल रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मतदान के दौरान बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बायतो विधानसभा क्षेत्र में विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि रविन्द्र सिंह भाटी के कुछ समर्थक वहां से निकलते समय अगदड़ा गांव में एक बूथ पर गए थे। वहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस पर वहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाटी के समर्थकों से मारपीट कर दी, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां मामला शांत कराया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हुए एक सड़क हादसे ने सभी को हिला डाला। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही युवकों के घरों में कोहराम मच गया। हादसे में 2 अन्य युवक भी घायल हुए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मौके के हालात देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि दिल को दहला देने वाला यह हादसा शनिवार को तड़के करीब 4 बजे हुआ। हादसा कलिंजरा पुलिस थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 56 पर बागीदौरा कलिंजरा के बीच हुआ। उस समय एक फाइनेंस कंपनी के 5 कर्मचारी एसयूवी कार से आ रहे थे। कार काफी रफ्तार में थी, इसी दौरान वह चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। उसके बाद वह सड़क से उतरकर पेड़ और पत्थरों से टकराकर पलट गई। झुंझुनू में जिले का बुहाना उपखंड सीमा से लगे हरियाणा से आने वाले अपराधियों के लिए काम करने का अड्डा बन चुका है। यहां करीब 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक गिरोह सक्रिय है, लेकिन संसाधनों और अपर्याप्त स्टाफ के चलते पुलिस इनका कुछ भी नहीं कर पा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ एवं भिवानी जिलों की सीमा के साथ लगते पचेरीकला एवं बुहाना पुलिस थाने में मुकदमों की अधिकता के बाद भी पुलिस महकमे की तरफ से न तो स्टाफ बढ़ाया जा रहा है और न ही नए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोनों ही थानों में स्टाफ की कमी के साथ खटारा वाहनों से काम चलाना पड़ रहा है। बुहाना उपखंड में करीब 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक गिरोह बने हुए हैं। हालात यह है कि अपराधी जहां लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं, वहीं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को जर्जर वाहनों से उनका पीछा करना पड़ता है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान के बाद एक दूसरे के समर्थकों के साथ हुई मारपीट को लेकर आज रविन्द्र सिंह भाटी ने बालोतरा एसपी कार्यालय के सामने समर्थकों के साथ धरना दिया। भाटी ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण पक्षपात के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कल 26 अप्रैल मतदान के समय मैंने पुलिस और प्रशासन को कई बूथ पर धांधली और मारपीट की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा, हमारे समर्थकों की गाड़ियां जब्त की गई है, हमारे मतदाताओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस और प्रशासन दबाव के तहत कार्य कर रहा था। आज मैं पुलिस और प्रशासन से कल की घटना का जवाब मांगने आया हूं। जब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम एसपी कार्यालय के सामने से नहीं हटेंगे। चाहे पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, एसपी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में समर्थकों ने धरने के दौरान एसपी कार्यालय के बाद बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जब्त भी तैनात है।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दूसरा चरण 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। राजस्थान में हॉट सीट माने जाने वाले झालवाड़ा बारा लोकसभा सीट पर भी दिन में एक दो छिटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। शाम को मतदान समाप्ति के बाद बारा जिले की सभी 1036 बूथों की ईवीएम को शहर के कोटा रोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचाया जाएगा, जहां से उन्हें पूर्ण सुरक्षा के बीच झालवाड़ा के लिए रवाना किया जाएगा। बारा जिले में पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार जिला प्रशासन के तमाम प्रयास के बावजूद मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। पिछले चुनाव में जहां 70.79% मतदान हुआ, वही इस बार शाम 6 बजे तक 69.1% मतदान हुआ, जो पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान की अपेक्षा 78% कम रहा। ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में है, उनके सामने भाजपा से कांग्रेस में आए प्रहलाद कुंजल हैं। कोटा दक्षिण में कम वोटिंग रही है, दक्षिण बीजेपी का या यूं कहे बिरला का गढ़ रहा है। यहां ब्राह्मण वोट साइलेंट होने से कुछ चुनौती है। हालांकि ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत ठीक रहने को भाजपा अच्छा मान रही है, वहीं कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अंडर करंट से वोट कांग्रेस को मिल रहा है। कोटा बूंदी हिन्दुत्ववादी सीट या सनातनी सीट रही है, कांग्रेस यहां अपवाद के रूप में ही जीती है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। एंटी इनकेम्बेसी और पर्सनल नाराजगी जातिवाद का कितना असर होगा आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि एक पॉइंट ये भी है कि बिड़ला पिछले दो बार से 2 लाख से अधिक मतों से जीतते आए हैं, ऐसे में ये मार्जिन उन्हें काफी सपोर्ट करने वाला है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में लोकसभा चुनाव के राजस्थान में दूसरे चरण में कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गया है और अब 4 जून को इसके परिणाम आएंगे। मतदाताओं का उत्साह मतदान को लेकर अच्छा रहा और पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में करीब 70% मतदान हुआ, तो वहीं कोटा बूंदी पर 71% के आसपास मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान युवाओं में भी सेल्फी लेने का क्रेज दिखाई दिया, इसको लेकर मतदान स्थलों पर खासी भीड़ भी नजर आई। वहीं मतदान के दिन मौसम ने भी कहीं न कहीं करवटें ली और कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की सी बारिश भी हुई, जिससे मौसम में ठंडाई होने से मतदाता भी घरों से निकले। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में संपन्न हुए चुनाव के बाद अब सियासी गणित का दौर शुरू हो गया है और कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर खासकर लोगों की खासी निगाहें हैं, क्योंकि देश के लोकसभा स्पीकर के पद पर काबिज रहे भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला और भाजपा के ही कद्वार नेता जो भाजपा से बगावत कर कांग्रेस में आए प्रहलाद कुंजल के बीच कड़ा मुकाबला है, और इस कड़े मुकाबले के बीच अब सियासी गणित बैठना शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को जिताने के लिए हार जीत का गणित बैठा रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को तो भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को तो जिताते नजर आ रहे हैं। यह तो आने वाले 4 जून को ही बताएगी कि किसका भाग्य भारत की संसद में पहुंचने के लिए लिखा गया है, और मतदाताओं के द्वारा लिखे इस भाग्य को ईवीएम मशीनों में कैद भी कर दिया गया है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा के उद्योगी नगर थाना क्षेत्र स्थित प्रेमनगर सेकंड में शमशान घाट के अंदर अस्थियां लेने पहुंचे परिजनों को अस्थियां गायब मिली। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय प्रेमनगर सेकंड निवासी रमेश रेकर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार 25 अप्रैल गुरुवार को प्रेमनगर सेकंड स्थित शमशान घाट में किया गया था। आज 27 अप्रैल को जब परिजन अस्थियां लेने पहुंचे तो उन्हें सिर की अस्थियां गायब मिली, साथ ही वहां चने, भूमड़े, फूल, इत्र मिले। परिजनों ने आशंका जताई कि किसी ने तांत्रिक
क्रिया की है, जिसके चलते ही अस्थियां गायब है। फिलहाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से आसिफ खान की रिपोर्ट। हर इंसान में एक अलग हुनर होता है, कला भी उम्र के मोहताज नहीं होती है। कोई किसी कला में पारंगत होता है तो कोई किसी में। इन सबके बीच आजकल के बच्चे, जवान और बूढ़े नए नए फंडे सामने ला रहे हैं। विभिन्न कलाओं में भी नवाचार किए जा रहे हैं। राजस्थान के एक ऐसे युवा का वीडियो वायरल हो रहा है। यह युवा जिस तरह से बैठकर तेजी से चल रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। यूजर इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को बीते दिनों चुनाव के माहौल में ट्विटर पर शेयर किया गया था। इसमें लिखा गया है कि इन दिनों राजस्थान के युवा नेता भी कुछ इस तरह परफॉर्मेंस दे रहे। इस वीडियो में एक युवक बैठकर बेहद तेज गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह युवक दोनों घुटनों को बैठने की मुद्रा में करने के बाद तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। महज 13 सेकेंड के इस वीडियो को आप भी देखेंगे तो पलक नहीं झपका पाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शादी में खाना खाने के बाद 20 की बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग के चलते अस्पताल में हुए भर्ती। राजस्थान के बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के बाद बवाल, धरने पर बैठे रविंद्र सिंह भाटी, भारी पुलिस फोर्स तैनात। राजस्थान के आदिवासी इलाके में तड़के हुए तेज धमाका, पुलिस पहुंची तो कबाड़ में दबी मिली 3 युवकों की लाशें। लग्जरी वाहनों से भागते अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास है खटारा गाड़ियां। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।